शुक्रिया अदा किया और तमाम मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया कि मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि मुझे पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया है और इस लायक मुझे समझा गया है। नाज़रीन, आपको बड़ी ख़बर से आगाह कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर की बिलाखिर 5 साल बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में वापसी हो चुकी है और नाज़रीन वो इंग्लैंड सीरीज़ में भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे और ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का भी वो हिस्सा होंगे, उसमें भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। और नाज़रीन, चेयरमैन PCB रमीज राजा का ये कहना था कि अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इनको पाकिस्तान टीम में कंफर्म पक्की सिलेक्शन इनकी हो जाएगी। मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी खुलकर सामने आ चुकी है कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया है और शर्जील खान को भी पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया है। लेकिन नाज़रीन, शुएब मलिक को पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं किया गया, ना तो इंग्लैंड के खिलाफ और ना ही ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। अब शायद उनको टीम में ही नहीं।